मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, इस्तीफा अपनी जेब में रख के गया और मैंने कहा साहब ये जाति हो रही है, इनकी बात मान ली। उन्होंने कहा नहीं सरकार चले जाएंगे। मैं कहा साहब आप जानते नहीं हो इनको, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये आसानी से नहीं जाएंगे। और उनको ये इल्हाम हो गया था कि वाकई तभी जाते जब ये चले जाते। मैंने ये भी बताया कि अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे जो इंदिरा गांधी के भतीजे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो इंदिरा जी ने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। जब वो पाठ करा रही थी तो अरुण नेहरू जी ने कहा कि फूफी आप इस सब में यकीन नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम्हें पता नहीं है मैंने इनका अकाल तख्त तोड़ा है, और जिसने इनका अकाल तख्त या स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं रहा है, ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ, वो मारे, जनरल वैद्य मारे, जनरल डायर मारा और यहां सांडर्स को भगत सिंह ने मारा। तो ये कौम ऐसी है जो छोड़ती नहीं है, भूलती भी नहीं। मैंने ये भी कहा हम उनसे प्रधानमंत्री जी से, बका ये मत समझ लेना ये 300 साल भी नहीं भूलते हैं। तो खैर उनकी समझ में आया, उन्होंने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन ये एमएसपी अगर नहीं हटाएंगे तो दोबारा एक बड़ी लड़ाई किसानों के साथ होगी और मैं ये गवर्नरशिप छोड़ के उस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।